नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। आज एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल है आपका भारत में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसी के कारण चर्चा में बना हुआ है भारत में क्रिप्टो करेंसी। तो चलिए इसके सभी पक्षों को हम लोग इसमें देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में अप्रैल 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बाद क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर लगे प्रतिबंध को अमान्य करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो करंट में निर्णय दिया है इसमें अप्रैल 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसे अब अमान्य करार दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि की, बिटकॉइन के पृष्ठभूमि क्या रही है। बिटकॉइन, एथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी के लोकप्रिय रूप में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करते हैं और एक केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र संचालित होते हैं। आरबीआई के आदेश ने भारत में सभी आभासी मुद्राओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया किस मामले में सभी आभासी मुद्रा व्यापार कंपनियों की ओर याचिका करता था। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में आभासी मुद्रा वीसी के व्यापार के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो अप्रैल 2018 में लगाया गया था। अदालत ने अपने 180 पृष्ठों के फैसले में कहा कि प्रतिबंध व्यापार के प्रस्तावित होने पर आभासी मुद्राएं आनुपातिक नहीं थी और आरबीआई ने स्वयं इन वीसी एक्सचेंजों की गतिविधियों से कोई प्रतिकूल प्रभाव या नुकसान नहीं पाया था। आखिर क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? वास्तव में क्रिप्टो करेंसी आपकी आभासी मुद्रा क्या है? आभासी मुद्राएं वास्तव में आभासी मुद्रा क्या है फिर? इसमें विश्व स्तर पर कोई परिभाषा नहीं है। कुछ एजेंसियों ने इसे मूल्य के आदान प्रदान की एक विधि कहा है। अन्य लोगों ने इसे एक वस्तु, उत्पाद या फिर वस्तु के रूप में चिन्हित किया है। सातोशी नाकामोटो को व्यापक रूप से आधुनिक आभासी मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक और ब्लॉकचेन नामक अंतर्निहित तकनीक के जनक के रूप में जाना जाता है। किन्हें? सातोशी नाकामोटो। बिटकॉइन को एक नया इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम जो पूरी तरह से अंतर्वैयक्तिक है, जो तृतीय पक्ष का उन्मूलन करता है। अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि आभासी मुद्राओं के लिए कोई केंद्रीय नियामक नहीं होगा, क्योंकि उन्हें वैश्विक रूप से दृश्यमान वही खाता में रखा जाएगा जो प्रौद्योगिकी के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ है। इस तरह की आभासी मुद्राओं के सभी उपयोगकर्ता लेन देन पर नजर रख सकेंगे। बात करते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी खतरनाक क्यों है। दुनिया भर के संगठनों ने आभासी मुद्राओं से निपटने के दौरान सावधानी बरतने का आह्वान किया है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि किसी भी प्रकार का कवरेज सिस्टम प्रतिबंध पूरे सिस्टम का विलोपन कर सकता है। इसका अर्थ है कि इन आभासी मुद्राओं का कोई भी नियमन नहीं होगा। जून 2013 में आरबीआई ने पहली बार आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को संभावित वित्तीय, परिचालन, कानूनी और ग्राहक सुरक्षा से संबंधित जोखिमों के बारे में चेतावनी दी थी। अगले वर्ष फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक रिपोर्ट के साथ सामने आई, जिसमें आभासी मुद्राओं से जुड़े वैध उपयोग और संभावित जोखिम दोनों पर प्रकाश डाला गया। एक अलग रिपोर्ट में इसने फिर कहा कि इस तरह की आभासी मुद्राओं का उपयोग आतंकी वित्त पोषण समूह के बीच बढ़ रहा है। आरबीआई ने आभासी मुद्राओं पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? किसी भी अंतर्निहित कमी, उनके मूल में अत्यधिक अस्थिरता और उनकी आनाम प्रकृति, जो वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के खिलाफ जानी जाती
के कारण इसने आरबीआई ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। आरबीआई ने शुरू में मुद्रा के व्यापार और उपयोग पर अपनी चिंताओं को चिन्हित किया। एक ओर डेटा सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जोखिम और चिंताएं, और दूसरी ओर स्वयं मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर दूरगामी संभावित प्रभाव, यह भी आरबीआई को आभासी मुद्राएं के बारे में चिंतित था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने तर्कों में आरबीआई ने कहा कि यह इन आभासी मुद्राओं को छूत की तरह फैलाना नहीं चाहता था, और इसलिए बड़े सार्वजनिक हित में बैंकों ने कहा कि वे लोगों के साथ व्यवहार न करें या इन गैर फिजी मुद्राओं से निपटने का आदान प्रदान न करें। आरबीआई ने तर्क दिया था कि कई आभासी मुद्राओं के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण उछाल और प्रारंभिक बिटकॉइन में तेजी से वृद्धि के कारण आभासी मुद्राएं उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं थी। बात करते हैं हम याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा था इसमें। याचिकाकर्ताओं जिन्होंने देश में आभासी मुद्रा एक्सचेंजों को परिचालन में शामिल किया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरबीआई की कार्यवाही इसके दायरे से बाहर थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कार्यवाही बहुत कठोर थी और आरबीआई या फिर केंद्र सरकार द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया था। यह तर्क देते हुए प्रतिबंध केवल नैतिक आधार पर था, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आरबीआई को वेट एंड वॉच दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जैसा कि अन्य नियामकों जैसे कि विवर्तन निदेशालय या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने लिया है। अब बात करते हैं जो न्यायालय का निर्णय रहा है इसके बारे में। न्यायमूर्ति आर एफ नरीवन की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने रिट याचिकाओं के पक्ष में अनुमति दी है। इस आदेश में न्यायालय ने कहा है कि वह आरबीआई के पूर्व सुरक्षा के संदर्भ में लेने वाले निर्णयों का अनुपातिक परीक्षण करेगा तथा आरबीआई को यह आवश्यक है कि उसके द्वारा लिए गए निर्णयों से हितधारकों को कम से कम क्षति पहुंचे। निर्णय के अनुसार आरबीआई का परिपत्र अनुपातिक नहीं था, इसने आरबीआई के रूप में विरोधाभास को भी इंगित किया है, जहां उसने जोर देकर कहा है कि भारत में आभासी मुद्रा का अनुबंध नहीं है, लेकिन तब भी सर्कुलर उनके पास आसपास के सभी व्यापारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए चला गया था। पीठ ने कहा है कि व्यापार और वीसी एक्सचेंजों पर प्रतिबंध लगाकर आभासी मुद्राओं को उनकी जीवन रेखा से काट दिया गया है। इससे भी बुरा यह है कि यह आरबीआई द्वारा प्रतिबंध इन एक्सचेंजों के कार्य करने के तरीकों के बारे में कुछ भी गलत नहीं प्राप्त होने के बावजूद किया गया है। यह निर्णय भारत सरकार से अलग स्थिति को भी संदर्भित करता है, और यह संदर्भित करता है कि कैसे 2018 और 19 में एक ही अंतर मंत्री स्तरीय समिति दो पूरी तरह से अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचती है। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट बिल 2018 के संस्करण में अंतर प्रतिनिधि समिति ने मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों में डिजिटल क्रिप्टो संपत्ति की बिक्री और खरीद को मंजूरी दी, परंतु स्थिति 2019 में पूरी तरह से बदल गई है। इस समिति ने निजी क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया, जबकि कानून निविदा के रूप में डिजिटल रुपये के निर्माण के लिए भी कहा गया। सरकार के रूप में निहित भ्रम को इस निर्णय में चिन्हित किया गया। अदालत ने माना है कि प्रतिबंध अनुपातिकता है परीक्षण में सफल नहीं हो सका या प्रतिबंध अनुच्छेद 19(1)(g) के सिद्धांतों के विरुद्ध है, जो व्यापार की स्वतंत्रता विदित करता है। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। आखिर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है? ब्लॉकचेन जिसे कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है, विकेंद्रीकरण और क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग के उपयोग के माध्यम से किसी भी डिजिटल संपत्ति के इतिहास को अटल और पारदर्शी बनाता है। ब्लॉकचेन तकनीकी को समझने के लिए एक सरल सादृश्य गूगल डॉक है। जब हम एक दस्तावेज बनाते हैं
और इसे लोगों के समूह के साथ साझा करते हैं तो दस्तावेज को कॉपी या स्थानांतरित होने की बजाय वितरित किया जाता है। यह एक विकेंद्रीकृत वितरण श्रृंखला बनाता है जो सभी को एक ही समय में दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करता है। किसी अन्य पार्टी से परिवर्तन की प्रतीक्षा में किसी को भी बंद नहीं किया गया है। जब डॉक में सभी संशोधन वास्तविक समय में दर्ज किए जा रहे हैं जिससे परिवर्तन पूरी तरह से पारदर्शी हो गए हैं। बेशक ब्लॉकचेन एक गूगल डॉक की तुलना में अधिक जटिल है क्योंकि यह प्रौद्योगिकी के तीन महत्वपूर्ण आयामों से निर्मित है, ब्लॉक, माइनर और नोड। ब्लॉक, प्रत्येक श्रृंखला में कई ब्लॉक होते हैं और प्रत्येक ब्लॉक में तीन मूल तत्व होते हैं। ब्लॉक डेटा, एक 32 बिट का यूनिट। जब ब्लॉक बनाया जाता है तो यह रैंडम रूप से उत्पन्न होता है जो तब एक ब्लॉक हेडर हैश उत्पन्न करता है। हैश एक 256 बिट की संख्या है। इसकी शुरुआत लगभग शून्य से होनी चाहिए यानी बहुत छोटा। जब एक श्रृंखला का पहला ब्लॉक बनाया जाता है तो एक नॉन क्रिप्टोग्राफिक हैश उत्पन्न करता है। जब तक यह माइनिंग नहीं किया जाता है तब तक ब्लॉक में डेटा का हस्तांतरण किए जाते हैं और हमेशा के लिए नॉन और हैश से जोड़ दिया जाता है। फिर है आपका माइनर। माइनस माइनिंग नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से श्रृंखला पर नए ब्लॉक बनाते हैं। एक ब्लॉक चेन में प्रत्येक ब्लॉक अपना विशिष्ट नॉन और हैश होता है लेकिन श्रृंखला में पिछले ब्लॉक के हैश को भी संदर्भित करता है, इसलिए ब्लॉक को खनन करना आसान नहीं है। माइनस एक अपिचलित हैश उत्पन्न करने वाले नॉन को खोजने के अविश्वसनीय रूप से जटिल गणित समस्या को हल करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं क्योंकि नॉनस केवल 32 बिट्स है और हैश 256, इसलिए लगभग 4 बिलियन संभव नॉन हैश संयोजन हैं जिन्हें सही पाए जाने से पहले माइनिंग किया जाना चाहिए। जब ऐसा होता है तो खनिकों को गोल्डन नॉन मिल जाता है और उनके ब्लॉक को चेन में जोड़ दिया जाता है। श्रृंखला में पहले के किसी ब्लॉक में बदलाव करने के लिए न केवल ब्लॉक को बदलाव के साथ फिर से खनन की आवश्यकता होती है बल्कि बाद में आने वाले सभी ब्लॉक। यही कारण है कि ब्लॉक चेन तकनीक में हेर फेर करना बेहद मुश्किल है। ऐसा लगता है कि यह कंप्यूटिंग में सुरक्षा के रूप में है क्योंकि गोल्डन नॉन को खोजने के लिए बहुत अधिक समय और कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है। जब किसी ब्लॉक का सफलतापूर्वक खनन किया जाता है तो नेटवर्क पर सभी नोड्स द्वारा परिवर्तन को स्वीकार किया जाता है और माइनिंग को वित्तीय रूप से पुरस्कृत किया जाता है। बात करते हैं नोड्स के बारे में। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा में से एक विकेंद्रीकरण है। कोई भी कंप्यूटर या संगठन श्रृंखला के मालिक नहीं हो सकते, इसके बजाय यह श्रृंखला से जुड़े नोड्स के माध्यम से एक वितरित खाता है। नोड्स किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो सकते हैं जो ब्लॉकचेन की प्रतियों को बनाए रखता है और नेटवर्क को कार्यशील लगता है। प्रत्येक नोड में ब्लॉकचेन की अपनी प्रति है और नेटवर्क को श्रृंखला के किसी भी नए खनन की किए गए ब्लॉक को अद्यतन या विश्वसनीय और सत्यापित करने के लिए एल्गोरिथम को अनुमोदित करता है। चूंकि ब्लॉकचेन पारदर्शी है इसलिए अकाउंट में हर क्रिया को आसानी से जांचा और देखा जा सकता है। प्रत्येक प्रतिभागी को एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या दी जाती है जो उसके लेनदेन को दर्शाता है। तो चलिए, ये थी आपकी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित, ठीक है।